राज्य सरकार का बढ़ने वाला है टेंशन, केंद्र बढ़ा रहा डीए, कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट। ट्रीटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी के आसार, राज्य सरकार का बढ़ने वाला है टेंशन, केंद्र बढ़ा रहा डीए। नई दिल्ली एजेंसी केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 2023 की दूसरी छमाही के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करने की तैयारी में है। इस बार सरकार डीए के साथ फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मजबूत इजाफा होगा। वहीं राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के मुताबिक डीए के मामले में कदमताल करने की मजबूरी होगी। जानकारी के मुताबिक फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57% मिलता है। छठे सीपीसी ने फिटमेंट फैक्टर में 1.86% इजाफा करने की सिफारिश की थी। ऐसे में फैक्टर में अगर फिटमेंट बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में, कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो केंद्रीय सरकार कर्मियों का मौजूदा न्यूनतम वेतन, जो वर्तमान में 18,000 रुपये है, से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वहीं सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए भी डीए और डीआर में 4% का इजाफा कर 38% से 42% कर दिया था। अब अगर इसमें दूसरी छमाही के लिए भी 4% का इजाफा किया गया तो ये 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। पिछले साल मार्च में कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया था। इसके बाद इसमें 2 बार 4-4% की बढ़ोतरी की गई।